गरीबों के उपचार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक पर एक योजना लाई जा रही है, ताकि कम खर्च में गरीब तबके के लोगों का इलाज कर उनकी जान बचाई जा सके। इसी के तहत बिहार में एक साथ कई जेनरिक दवाओं की दुकान खोली गई है। इसी के तहत लालगंज हाजीपुर मुख्य मार्ग स्थित गंडक परियोजना कार्यालय के सामने डॉक्टर अशोक कुमार के क्लिनिक में जेनरिक दवाओं की दुकान खोली गई है। माँ मेडिकल शॉप में जेनरिक दवाएं पूरी तरह उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना सिंह ने बताया कि इस प्रकार की दवाओं पर 80% तक छूट का प्रावधान है। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि वैशाली जिले का यह पहला रिटेल शॉप है। तो उद्देश्य यह है कि हर भारतीय को, एक आम आदमी को भी सस्ती दवा में सस्ती कीमत में दवा उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, ताकि गरीब से गरीब मरीज भी, जो कि काफ़ी महंगी दवा के अभाव में जहाँ कभी दवा नहीं ले पाते हैं, या मृत्यु के पास चले जाते हैं, या फिर अंधविश्वास के उसमें जकड़ जाते हैं और इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि हम जेनरिक आधार के माध्यम से हर एक भारतीय इंसान को सस्ती दवा में सस्ती कीमत में दवा उपलब्ध कराएं। भ्रांति ये है कि ये दवा गलत होती है, बेसिकली ये चीज़ गलत है। जेनरिक दवा वही होती है जो कि ब्रांडेड दवाएँ होती हैं, इसमें किसी ब्रांड का टैग नहीं लगा रहता है, इसलिए मॉलिक्यूल वही रहता है, गुणवत्ता वही रहती है, केवल दाम में अंतर रहता है, कंपनी अलग हो जाती है। और हम सीधे जहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है वहाँ से हम इस मॉलिक्यूल को लेते हैं, इसलिए हमारे पास ये सस्ते कीमत उपलब्ध होगी और हम इसी के अनुसार सस्ते कीमत में। पूरे भारत में आज कितने सेंटर का उद्घाटन? आज 25 सेंटर का उद्घाटन हुआ है। और लालगंज में या वैशाली जिला में कहिए तो ये पहला है। ये मतलब कि इसका होलसेल जो है हाजीपुर में है, लेकिन रिटेल काउंटर पहला है ये वैशाली जिला में।